गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग असाइनमेंट 1.5 के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग असाइनमेंट 1.6 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन असाइनमेंट 1.6 पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, ताकि असाइनमेंट 1.6 बनाने में हमें सुविधा मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं। पहले एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स मतलब होता है संख्याओं का अनुमान। ठीक है, अब देखिए एस्टिमेशन क्या होता है। तो देयर आर द सर्टेन सिचुएशंस वेयर वी हैव टू गिव एन आइडिया अबाउट ए नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें एस्टिमेशन में हम लोग पढ़ते हैं क्या राउंड अप करने के लिए। जैसे कि हम लोग नियरेस्ट 10 देखते हैं, नियरेस्ट 100 देखते हैं, नियरेस्ट 1000 देखते हैं, नियरेस्ट 10,000 देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पहले देखते हैं नियरेस्ट 10 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 लाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो स्टेप 1 पहले देखिए, स्टेप 1 में बोल रहा है क्या, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। मतलब हम लोग को नियरेस्ट 10 लाने से पहले क्या करना होता है कि जो वंस डिजिट का जो नंबर होता है उसको 0 करते हैं। नियरेस्ट 10 लाने के लिए 0 करते हैं। स्टेप 2 पे आते हैं, इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर देन 5 तो देन इंक्रीज बाय 10th डिजिट बाय 1, अदरवाइज डू नॉट चेंज द 10th डिजिट। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर वंस डिजिट पे जब हम लोग नियरेस्ट 10 लाते हैं, नियरेस्ट 10 करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वंस डिजिट पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 10th डिजिट पे, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट रहता है उसमें हम लोग 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए कि 5 से कम रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, वही नंबर रह जाता है यही। अब देखिए स्टेप 3 पे आते हैं हम लोग, लीव्स द रेस्ट ऑफ द डिजिट अनचेंज, बाकी जो बचा हुआ डिजिट होता है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल 23 को देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, इसको नियरेस्ट 10 करना है, तो हम लोग का दिया है 346 दिया है, 46 दिया है, 346 हम लोग को नियरेस्ट 10 देखना है। तो नियरेस्ट 10 देखना है तो वंस जो डिजिट पे, वंस डिजिट पे 6 है तो 6 को पहले हम लोग को 0 कर देना है। ठीक है, और 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो हम लोग पहले तो देखिए रिप्लेस 6 बाय 0, 6 को हम लोग को 0 का देना है और हम लोग का वंस डिजिट जो है 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5 तो इंक्रीज बाय 4 बाय 1, क्योंकि 10th प्लेस पे 4 है तो 4 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 5। एंड उसके बाद क्या बोला है कि बाकी जो डिजिट बचता है उसको अनचेंज करना है, उसको चेंज नहीं करना है, अनचेंज। तो देखिए उसके बाद 3 जो बचा है उसको क्या करेंगे, नो चेंज, नोट कर लीजिए इसको। नियरेस्ट 100 को देखते हैं कि नियरेस्ट 100 लाने के लिए क्या क्या करते हैं। नियरेस्ट 10 के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब नियरेस्ट 100 के बारे में पढ़ेंगे। तो राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो देखिए स्टेप 1 नियरेस्ट 100 करने के लिए, रिप्लेस वंस एंड 10 डिजिट्स बाय जीरोस। मतलब यहाँ पे रिप्लेस करना है वंस और 10 डिजिट को 0 में। ठीक है,
उसके बाद स्टेप टू पे आते हैं. इफ द टेंथ डिजिट इज फाइव और मोर देन फाइव, इंक्रीज द हंड्रेड्स डिजिट बाई वन, अदरवाइज डू नॉट चेंज. अगर देखिए नेक्स्ट हंड्रेड लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेन डिजिट में अगर जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट दिया होगा वो फाइव या फाइव से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट दिया होता है उसमें वन इंक्रीज कर देते हैं. अगर वो फाइव जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट दिया है वो फाइव से छोटा हो मतलब स्मॉलर हो तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट को चेंज नहीं करते हैं. अब देखिए स्टेप थ्री, लीव रेस्ट ऑफ द डिजिट्स अनचेंज. बाकी जो एक्स्ट्रा डिजिट दिया गया है हंड्रेड के बाद जितना भी डिजिट दिया गया है अगर वो है डिजिट है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, अनचेंज नंबर रहता है वो वैसा ही रह जाएगा. अब एग्जांपल 24 को देखते हैं. यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड. तो यहाँ पे नियरेस्ट हंड्रेड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वन और टेन डिजिट को क्या करना है, जीरो में कन्वर्ट कर देना है उसको. तो देखिए वंस डिजिट सिक्स है और एट क्या है, टेंथ प्लेस पे है. तो ये वंस प्लेस और टेंथ प्लेस वाले को क्या करना है, रिप्लेस बाय जीरोस. तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर देना है. लेकिन हम लोग को नियरेस्ट हंड्रेड देखना है तो टेंथ प्लेस पे देखिए डिजिट क्या है. हम लोगों का डिजिट जो है यहाँ पे टेंथ प्लेस पे एट है जो कि फाइव से ग्रेटर वैल्यू है. तो हम लोग कह सकते हैं फाइव से ग्रेटर वैल्यू है तो हम लोग क्या करते हैं कि हंड्रेड प्लेस वाले जो डिजिट है उसमें वन इंक्रीज कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर को हम लोग को क्या करना होगा, वन इंक्रीज करना होगा. तो लिखेंगे क्या कि सिंस एट ग्रेटर देन फाइव, एट जो है फाइव से ग्रेटर है तो इंक्रीज फोर बाई वन, क्योंकि हंड्रेड प्लेस पे फोर है और जब हमारा टेंथ प्लेस का जो डिजिट है एट जो है फाइव से ग्रेटर है तो हम लोग क्या करते हैं कि हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट है उसमें वन इंक्रीज कर देते हैं. यहाँ पे फोर के जगह पे कोई भी नंबर होता है तो उसमें वन इंक्रीज हो जाता है. तो ये हो गया फाइव हो गया. अब बाकी जो डिजिट बचता है चाहे नंबर बचता है उसके बाद तो उसको क्या करते हैं, नो चेंज, क्योंकि हम लोग को नियरेस्ट हंड्रेड देखना है तो हम लोग को हंड्रेड वाले प्लेस को चेंज करना रहता है. ठीक है, नोट कर लीजिए. अब देखिए अब हम लोग नियरेस्ट टेन पढ़ लिए, नियरेस्ट हंड्रेड पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है नियरेस्ट थाउजेंड. तो नियरेस्ट थाउजेंड पढ़ना है. तो देखिए राउंडिंग ऑफ ए नंबर ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड. तो क्या करते हैं, स्टेप वन, रिप्लेस वंस टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स बाय जीरोस. मतलब हम लोग को रिप्लेस करना है वंस डिजिट को टेंस डिजिट को और हंड्रेड डिजिट को जीरो में कन्वर्ट कर देना है. दूसरा स्टेप टू, इफ हंड्रेड डिजिट इज फाइव और मोर देन फाइव तो इंक्रीज द थाउजेंड डिजिट बाई वन, अदरवाइज लीव अनचेंज. देखिए अगर हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट होगा वो फाइव या फाइव से ग्रेटर वैल्यू होगा तो हम लोग क्या करते हैं, थाउजेंड वाले डिजिट में वन इंक्रीज कर देते हैं. अगर फाइव या फाइव से स्मॉलेस्ट नंबर रहता है तो अनचेंज करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, वही डिजिट को रहने देंगे. ठीक है, अब स्टेप थ्री पे आते हैं. लीव रेस्ट ऑफ द डिजिट अनचेंज. बाकी जो डिजिट रहेगा थाउजेंड के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उसको हम लोग को चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, वही लिख देना है. ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 25 पे. तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड. तो यहाँ पे देखिए
3684 है, इसको हम लोग को नियरेस्ट थाउजेंथ देखना है। तो सॉल्यूशन ठीक है, यहाँ पे हम लोग को वंस टेन और हंड्रेड डिजिट को क्या करना है, रिप्लेस बाय जीरो कर देना, तो इसको जीरो कर दिए। लेकिन हम लोग को नियरेस्ट थाउजेंथ देखना है, तो हम लोग पहले हंड्रेड वाले प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे कि वो फाइव से ग्रेट फाइव है या फाइव से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लोग हंड्रेड प्लेस पे देखते हैं तो सिक्स है जो कि फाइव से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, थाउजेंड वाले डिजिट में वन इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव इंक्रीज बाई इंक्रीज थ्री बाई वन, तो हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, इसमें थ्री में वन इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस ठीक है ना। तो अब सम और डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले स्टेप वन सेलेक्ट द स्मॉलर नंबर। पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिया होगा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलर नंबर को देख लेंगे कि स्मॉलर नंबर कितने डिजिट का है, उसके अनुसार हम लोग नियरेस्ट टेन या नियरेस्ट हंड्रेड या नियरेस्ट थाउजेंड करते हैं ठीक है। अब देखिए स्टेप टू, राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर में जो हाईएस्ट प्लेस पे होगा, जैसे कि मान लीजिए टू डिजिट का नंबर है, तो वंस टेन टू डिजिट का नंबर है, तो टेंस प्लेस पे जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो टेंस प्लेस है, तो वहाँ पे हम लोग नियरेस्ट टेन करेंगे। अगर वो थ्री डिजिट का नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग हंड्रेड नियरेस्ट हंड्रेड पे देखेंगे। अगर फोर डिजिट का नंबर रहेगा तो नियरेस्ट थाउजेंड प्ले नियरेस्ट थाउजेंड निकालेंगे ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री पे आते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट द राउंडेड द नंबर एज पर क्वेश्चन। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में सेम बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम ऐड करके दिखला दे रहे हैं और बगल में आपको सब्ट्रैक्ट करके भी समझा देंगे। इसी क्वेश्चन पे आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का दोनों मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड को एस्टिमेट कैसे करते हैं समझ जाइएगा। देखिए पहले हम लोग ऐड कर देते हैं ठीक है, तो सॉल्व करना है तो देखिए पहले सॉल्यूशन दिया है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर वन बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 का, तो देखिए आउट ऑफ 283 एंड 1732 द स्मॉलर नंबर इज, तो इसमें देखिए तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये देखिए फोर डिजिट का है, ये थ्री डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे थ्री डिजिट वाला नंबर जो है स्मॉलर नंबर है, तो हम लोग थ्री डिजिट का स्मॉलर नंबर है तो लिख सकते हैं द स्मॉलर नंबर इज 283, तो हैंस राउंड ऑफ बोथ द नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड। क्यों नियरेस्ट हंड्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर नंबर का जो ग्रेटर वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिखा है कि राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के हाईएस्ट प्लेस, तो हाईएस्ट प्लेस क्या है वंस टेन हंड्रेड हंड्रेड प्लेस है, तो हम लोग नियरेस्ट हंड्रेड करेंगे ना कि हम लोग बड़े डिजिट से देख के करेंगे। देखिए दोनों डिजिट में सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसके अनुसार हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि अगर टू डिजिट का नंबर हो तो नियरेस्ट टेन प्लेस पे देखेंगे, और अगर थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम लोग नियरेस्ट हंड्रेड पे देखेंगे। तो यहाँ पे थ्री डिजिट का नंबर है इसलिए नियरेस्ट हम लोग हंड्रेड पे देखेंगे ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो हो गया
अब देखिए 1732 है, इसको नियरेस्ट 100 करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि नियरेस्ट 100 करते हैं तो 1 और 10 डिजिट को रिप्लेस कर देना होता है जीरो पे करते हैं। और देखिए अगर टेंस देखिए 100 प्लेस पे करते हैं, नियरेस्ट 100 करते हैं तो हम लोग टेंस डिजिट को देखते हैं कि वो 5 या 5 से ग्रेटर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 प्लेस वाले वैल्यू को में 1 इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 है जो क्या है 5 से स्मॉलर नंबर है, इसलिए इसमें क्या होगा 100 प्लेस वाले में कोई ऐड नहीं होगा, वही नंबर को लिख देते हैं, बाकी नंबर को तो वैसे ही अनचेंज करते हैं, तो इसलिए 1000 वाला प्लेस 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए 283 है तो यहाँ पे भी नियरेस्ट 100 करना है, तो देखिए 1s और 10s प्लेस को रिप्लेस करके तो 0 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 10s प्लेस पे 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए क्या होगा कि 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना है 2 है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग ऐड करेंगे तो 0 0 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 1 1 2। अगर देखिए वही चीज़ अब लिख सकते हैं, पहले ये तो 2000 हो गया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ से 1732 और प्लस 283 तो कितना हो जा रहा है उसका 2000 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रहता ठीक है, जहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं तो प्रोसेस यही होता, देखिए सब चीज़ यही लिखना है, बस यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं वहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे देख लीजिए इसको हम लोग एस्टिमेट ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे तो वैसे ही इसमें भी हम लोग लिखेंगे। देखिए 700 अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो 1732 रहता, तो यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते 100 की, नियरेस्ट 100 ही करते हैं तो 1700 हो जाता। और ये देखिए 283 है तो इसको भी नियरेस्ट 100 करते हैं तो हमारा 300 ही आता ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में बस माइनस करना है, और इसको सब्ट्रैक्ट करके और आप लोग को लिख देना है, और लिख देते कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ठीक है 1732 और वहाँ पे माइनस 283, तो वो सब्ट्रैक्ट वाला भी क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बना सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट करना है ठीक है, तो अब हम लोग प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्टेप 1 राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि देखिए जो भी फैक्टर दिया हुआ है उसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं ठीक है, जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं नियरेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2 पे देखते हैं मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग नियरेस्ट निकाल के उसके बाद क्या करते हैं उसको प्रोडक्ट करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे एग्जांपल 28 को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेट द फ्लोइंग 87 इन प्रोडक्ट 330 और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9 × 795, इसलिए दो नंबर इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देख लीजिए कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 300 ठीक है 13 है तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग का ग्रेटेस्ट वैल्यू जैसे देखिए 3 यहाँ पे देखिए सबसे हाई ग्रेटेस्ट प्लेस पे 3 है मतलब 100 प्लेस पे 3 है तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको नियरेस्ट 100 करेंगे
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, तो नियरेस्ट 100 करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, वंस और टेंस डिजिट को क्या करते हैं, जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जीरो में रिप्लेस कर देते हैं, तो जीरो में रिप्लेस कर दिए। और टेंस डिजिट को देखते हैं तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वन है, जो कि 5 से स्मॉलर नंबर है, तो क्या होगा 100 वाले प्लेस पे, जब हम लोग जानते हैं कि 5 से कम रहता है तो क्या करते हैं 100 वाले डिजिट को अनचेंज करते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो 3 का 3 हो गया, तो 300 हो गया, तो 313 का नियरेस्ट 100 300 ही हो गया। देखिए यहाँ पे 87 है, अगर हम लोग नियरेस्ट 10 करते तो 90 होता, लेकिन दिया गया है कि राउंड ऑफ ईच फैक्टर्स टू इट्स नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू, मतलब अब हम लोग क्या करना है कि 87 जो है 87 को हम लोग 19 भी लिख सकते थे नियरेस्ट 10 करके, लेकिन सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम लोग 100 भी कर सकते हैं तो नियरेस्ट हम लोग 100 कर देंगे कि ज़्यादा सूटेबल हो। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 कर देंगे, तो क्या हो गया नियरेस्ट 100 करते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 करेंगे तो जो 87 जो है 100 के नियरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होता है। अब फिर देखिए जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, थ्री में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री। अब देखिए जीरो 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 थ्री। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर वन से प्रोडक्ट किया जाता है तो वही नंबर आता है। अब लिखेंगे एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ 87 इंटू 313 इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 28 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए दिया गया कि आप लोगों को यहाँ पे जो कंफ्यूजन अगर ना हो तो इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 87 नियरेस्ट, देखिए यहाँ पे 90 भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग 90 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि 100 रखा जाए, और इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 2 28 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 9 है, यहाँ पे एक वैल्यू 9 है जिसका नियरेस्ट हम लोग 10 करके बनाएंगे, क्योंकि देखिए 9 जो है 10 के ज़्यादा नियरेस्ट है, 100 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 10 है, लेकिन 87 के से ग्रेटर वैल्यू जो सूटेबल ग्रेटर वैल्यू हो रहा है वो 100 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 100 लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 795 है तो नियरेस्ट 100 करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे सूटेबल नियरेस्ट 100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या वंस और टेंस प्लेस को क्या करते हैं जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको रिप्लेस करके जीरो लिख देते हैं, लेकिन हम लोग टेंस प्लेस पे जो है वैल्यू क्या है 9 है, तो वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए क्या करेंगे 100 प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो 7 की जगह पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 के नियरेस्ट क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, तो 10 से देखिए यहाँ पे 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 0, 0, 0, 8। ठीक है, तो एस्टिमेटेड द प्रोडक्ट ऑफ 9 इंटू 795 इज इक्वल टू 8,000। अब आप लोगों को वो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब एस्टिमेटिंग क्यूटेंट, देखिए अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऐड और सबट्रैक्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं
प्रोडक्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एस्टिमेटिंग क्विटेंट, ठीक है, स्टेप वन। देखिए राउंड ऑफ द डिविडेंड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द डिविजर सो दैट द डिविजन बिकम्स इजी। देखिए जो डिविडेंड है वो क्या होना चाहिए, नियरेस्ट जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ डिविजर के, जो डिविजर के नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो जो हम लोग डिविजन करते हैं वो इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए स्टेप अप टू, देखिए डिवाइड टू गेट द क्यूशेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 है, ठीक है, एस्टिमेट करना है 546 को डिवाइड करना है 7 से। तो क्या करते हैं, देखिए 546 डिवाइड 7, वी हैव टू राउंड ऑफ 546 टू मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लेट्स अस से 490 और 560। देखिए इसकी नियरेस्ट जो है 490 भी जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है, और 460 भी है जो राउंड ऑफ में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस हम लोग देखते हैं कि 546 इज क्लोजर टू 560, द शुड बी राउंडेड ऑफ टू 560। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए 490 था और 560 था, तो दो 7 से डिविजिबल होने के लिए सबसे नियरेस्ट जो है 546 के नियरेस्ट जो है 560 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 560 को ले लेंगे, ठीक है। तो नाउ द एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ 546 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 546 के नियरेस्ट क्या हो गया 560 और डिवाइड 7 तो क्या हो जाएगा 80, जो कि इजी बन गया। समझ गया, समझ में आ गया ना। ऐसे ही बनाया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी नंबर में, देखिए यहाँ पे हम लोग का डिविडेंट जो है और यहाँ पे जो हमारा डिविजर है उसको क्या करते हैं कि इसको ऐसे, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि राउंड ऑफ द डिविडेंट टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिविजर, जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिविजर का होना चाहिए सो दैट द डिविजन बिकम्स इजी हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि डिविडेंट को क्या करना है कि ऐसा नंबर रखना है, इसके नियरेस्ट रखना है कि जिससे हम लोग इजी से डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। असाइनमेंट 1.6 पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहे हैं, वो खुद से आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर वन, द नंबर, ठीक है, द नंबर 125,732 is rounded to करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन में, वहाँ पे rounded to लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 125,702 the nearest 100। तो ये जो है 125,732 के nearest 100 क्या ये होता है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नियरेस्ट जब हम लोग को 100 करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वंस और टेन डिजिट को क्या करते हैं, जीरोस कर देते हैं, रिप्लेस जीरो कर देते हैं। तो जीरो है, ठीक है। अगर हम लोग का टेंस वाले डिजिट को देखते हैं अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 प्लेस वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 है जो कि 5 से स्मॉलर है, तो इसलिए हम लोग 100 प्लेस वाले डिजिट में 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है,
अब देखिए ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं, 1 लाख दिया है, 1,25,752 नियरेस्ट 100, तो नहीं नियरेस्ट 100 नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट 100 करने के लिए वंस और टेंस प्लेस को रिप्लेस करना पड़ता है जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, टेंस प्लेस पे वैल्यू 5 है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब देखिए दे रहा है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, तो नहीं ए तो हो रहा है बी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, गलत है। और देखिए यहाँ पे देखिए 1,25,742 द नियरेस्ट 1,000, तो 1,000 में देखते हैं तो 1,000 नियरेस्ट 1,000 करते हैं तो वंस टेंस और 100 प्लेस को रिप्लेस करते हैं जीरो, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, वंस टेन और 100 प्लेस पे जीरो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एस्टिमेट द फ्लोइंग, अब देखिए वहाँ पे हम लोग एस्टिमेट जो है ऐड वाला कर चुके थे, तो इस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ऐड वाला तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए थे, ऐसे उस क्वेश्चन में एग्जांपल में हम सब्ट्रैक्ट वाले भी क्वेश्चन को समझा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे को अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1,248 - 167, तो देखिए पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आउट ऑफ 1,248 and 167 द स्मॉलर नंबर इज 167, तो क्या बदला है कि अगर दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलर नंबर को देखते हैं कि स्मॉलर नंबर कितने डिजिट का है, अगर स्मॉलर नंबर 2 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 10 करेंगे, 3 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 100 करते हैं, और 4 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 1,000 करते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो हम लोग नियरेस्ट 100 से चलेंगे, तो हेंस द राउंड ऑफ बोथ द नियरेस्ट टू द नहीं नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 करते हैं, तो देखिए नियरेस्ट 100 करते हैं तो 1,248 को नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,200, क्योंकि वंस और टेंस प्लेस वाले डिजिट को रिप्लेस करके जीरो करते हैं, तो जीरो का दी यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो डिजिट है 4 है, जो 5 से स्मॉलर नंबर है, इसलिए हम लोग 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें इंक्रीज 1 नहीं कर सकते, हम लोग 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज तब करते हैं जब टेंस प्लेस के वैल्यू में 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसमें 1 इंक्रीज करते हैं, और उससे कम रहता है तो हम लोग नो चेंज करते हैं, इसलिए 1,248 का नियरेस्ट 1,200 हो जाएगा, और देखिए 167 है तो इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, देखिए वंस और टेंस को रिप्लेस करके जीरो लिख देंगे, लेकिन टेंस प्लेस पे हम लोगों का वैल्यू जो दिया है 6 है, जो कि 5 से ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए 6 है तो हम लोग क्या करते हैं जब टेंस प्लेस वाला वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 100 देख रहे हैं तो ग्रेटर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 100 प्लेस पे डिजिट होता है उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो इसलिए 1 से वो 2 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो गया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1,248 - 1,167 इज इक्वल टू 1,000, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एस्टिमेट द फ्लोइंग, ठीक है, 42 × 100 = 127, ठीक है 27, तो सॉल्व करेंगे 127 को नियरेस्ट
10 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी नियर्स 10, देखिए ज़रूरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टेप वन में हम आप लोग को पहले समझाए थे कि राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखिए अब आप लोगों को जो नियरेस्ट करना है, जब प्रोडक्ट करना है, तो उसके अनुसार देखिएगा कि जैसे कि 127 अगर उसके नियरेस्ट हमको एक्चुअल वैल्यू 130 अच्छा लगता है तो 130 रखेंगे। अगर ये 200 के नियरेस्ट होता जैसे कि 185 रहता तो वहाँ पे हम लोग 200 ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू वहाँ पे 200 सूटेबल होता। तो यहाँ पे देखिए 127 है, तो यहाँ पे 200 लिखना अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 130 लिखेंगे। यहाँ पे 42 है तो इसका नियरेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 127 × 42, क्योंकि हमने पहले ही एग्जाम्पल में बतलाया था कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना है, अपने से सूटेबल देखना है, जो नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू अच्छा लगता है, जो सूटेबल हो उसी को रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हम लोग मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स, जब हम लोग राउंडेड कर देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एस्टिमेट द फ्लोइंग। यहाँ पे देखिए 295/15, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है 295। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग को 15 है, तो हम लोग को वैसा 295 को वैसा नंबर लिखना है जो क्या हो कि 15 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग डिविडेंट को इस पहले एग्जांपल में हमने समझाया भी है कि डिविडेंट को डिविजर के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 295 है इसको शुड बी राउंडेड ऑफ टू 300, अगर हम लोग 300 कर देते हैं तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे नियरेस्ट इससे, ठीक है, अगर दो नंबर आता है जैसे देखिए 300 आ गया, एक आता 270 आता, तो 270 जो है और 300 जो है, 295 के नियरेस्ट जो है 300 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 300 को लेंगे, 270 को नहीं लेंगे, इसलिए ठीक है। तो हम लोग 300 को लिए हैं। अब देखिए नाउ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 295/15 इज इक्वल टू 300/15 इज इक्वल टू 20। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।